अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्यासा कौवा कहानी सुनाऊंगी। पुराने वक्तों की बात है कि एक खूबसूरत गांव में एक कौवा रहता था जो कि बहुत ही सयाना और अक्लमंद था। एक दफ़ा गर्मियों के दिनों में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी और उसे कहीं से पानी ना मिला। उसने पानी की तलाश में इधर उधर उड़ना शुरू किया, लेकिन कहीं भी पानी नज़र ना आया। आखिरकार उसे एक बाग में एक पानी का बर्तन नज़र आया। वो नीचे उतरा और उसने बर्तन के अंदर झांका। जब देखा तो उसे पता चला कि इसमें तो पानी बहुत थोड़ा है और मेरी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती, तो अब मैं पानी कैसे पीऊँगा। उससे पास ही कुछ छोटे छोटे कंकर पड़े हुए नज़र आए और उसके माइंड में एक ज़बरदस्त आइडिया आया। उसने कहा कि मैं ये छोटे छोटे कंकर एक एक करके उठा के पानी के बर्तन में डालूँगा तो पानी ऊपर आता जाएगा। जब पानी किनारे तक आ जाएगा तो मैं पानी पी लूँगा। उसने इस आइडिया पे अमल किया और एक एक करके कंकर उठाना शुरू किए और पानी वाले बर्तन में डालता रहा। जब पानी का लेवल ऊपर आ गया तो पानी आसानी से उसकी चोंच तक पहुंच गया। अब कौवे मियां बहुत खुश हुए कि मेरी तरकीब काम आ गई। उसने पानी का एक लंबा घूंट भरा। वाओ, बहुत मज़े का पानी है। उसने पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उड़ गया। और उसने उड़ते उड़ते सोचा कि हमें परेशानी में भी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए तो हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। बाय बाय।